सैलरी ठीक है फिर? कहो फिर से, फिर से। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज जो है पूरे 11 दिन हो चुके हैं मेरे ऑपरेशन हुए, और ये जो पाइप इंसर्ट किए यहाँ पे देखिए, पूरे 11 दिन से ये पाइप जो है मेरे साथ जुड़ी हुई है। तो अभी पेन तो थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन मैं ठीक ढंग से सो नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि सीधे लेटना पड़ता है ना, तो साइड ले सकता हूँ ना ही खुद से बैठ सकता हूँ, ना ही खुद से लेट सकता हूँ, ना ही खुद से चल पा रहा हूँ। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है इन 11 दिनों के एक्सपीरियंस में। तो गाइस आज फिर से हम पीजे ही जा रहे हैं, पीजे ही में बुलाया था आज फिर से हमारे डॉक्टर्स ने। तो आज देखेंगे डॉक्टर्स क्या बोलेंगे कि ये जो पाइप इंसर्ट की हुई है आज इसको वो निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। वो गाइस 11 दिनों से मैं मतलब नहाया भी नहीं हूँ, क्योंकि इस कंडीशन में नहाया भी नहीं जा रहा है, वो सिर्फ मुंह ही धोता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पाती है शरीर में, और जो हाथ है वो ठीक ढंग से काम भी नहीं कर पाते, क्योंकि टांके लगे हुए हैं और खिंचाव पड़ता है जब भी हाथों के मूवमेंट करता हूँ। तो 11 दिनों से मतलब मैं नहाया भी नहीं हूँ, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि शेयर करनी थी मैंने आपके साथ। तो वैसे ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए हम पीजीआई के लिए निकलेंगे। वेट करना पड़ा आज, मतलब घंटा डेढ़ घंटा इतना वेट करना पड़ा, इतने में हमारा नंबर आ गया जल्दी आज। तो देखते हैं, अभी लाइन में लगे हैं 5-6 पेशेंट्स आ गए, उनके बाद नंबर आएगा हमारा, तो उसके बाद देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। फिर देखिए मामा जी भी आ चुके हैं, देखिए। तो गाइस देखिए, काफ़ी वेट करने के बाद मामा और मम्मी को कुर्सी मिल चुकी है, काफ़ी देर से खड़े हुए थे यहाँ पे, मतलब 1.5-2 घंटे से खड़े हुए थे, और अब जाके इनको यहाँ पे कुर्सी मिली। और देखिए कुर्सियों की कितनी किल्लत है यहाँ पे, काफ़ी लोगों को तो खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि जो चेयर्स है वो लिमिटेड है और जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। गाइस अभी 4 घंटे हो चुके हैं लाइन में लगे हुए, मतलब 2 घंटे पहले हमें बताया गया था कि लाइन में खड़े हो जाओ, लेकिन अभी 4 घंटे तक हो चुके हैं और अभी तक कॉल नहीं आई है डॉक्टर। अभी 4 घंटे से देखिए मैं बैठे बैठा थक गया हूँ, कभी लेट रहा हूँ कभी बैठ रहा हूँ, बस यही चला हुआ है। देखिए मम्मी भी यहाँ पे बैठे बैठे बोर हो चुकी है। मम्मी क्या कहना चाहेंगे आप, 4 घंटे से हम लाइन में बैठे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे आप, 4 घंटे हो गए हमें बैठे हुए, वेट ही कर सकते और क्या कहें है? वेट ही कर सकते हैं, बोर तो नहीं हो रहे? डॉक्टर बुलाएगा कब हम जाएंगे, बोर तो नहीं हो रहे आप? क्या किया इन 4 घंटों में, क्या क्या किया आपने? बस कुछ नहीं, कभी इधर बैठ कभी इधर बैठ। वैसे अभी रश कम हुआ थोड़ा? अब तो कम हो गया थोड़ा। जैसे गाइस अभी जो है कुर्सियां काफ़ी खाली हो चुकी है और क्राउड भी काफ़ी कम हो चुका है, तो अभी भी कोई संभावना नहीं है कि कब तक हमें कॉल आएगी। हम सुबह 10 बजे आ गए थे, तो अभी तो 1-1.5 बजने वाला है, और अभी तक वेट ही कर रहे हैं, चलिए देखते हैं और कितना वेट करना पड़ेगा। तो गाइस देखिए अभी तक नंबर नहीं आया है, और देखिए अब लाशा के हस्बैंड जो है लाइन में लगे हुए हैं, अरे मामा जी यहाँ देखिए कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं दोनों अपने नंबर आने का, और टाइम पास करने के लिए देखिए फ़ोन चला रहे हैं, अभी टाइम पास नहीं हो रहा है, कुछ भी करने को यहाँ पर है नहीं, और ऐसे ही वेट कर रहे हैं बस। देखिए मेरी हालत कैसी हो चुकी है, 11 दिन हो चुके हैं मुझे बिना नहाए, और देखिए दाढ़ी भी इतनी बड़ी बड़ी हो गई, और क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा होती है जैसे पानी को हाथ लगाता हूँ तो पूरे शरीर में जो है कंपकंप भी शुरू हो जाती है, मतलब शिविंग करने लग जाती है पूरी। गाइस अगर अपनी सेहत की बात करूँ तो अभी जो लंग्स में छेद है वो तो मुझे लगता है कि रिकवर हो चुका है, क्योंकि अब जो सांस में मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम नहीं है, अभी जस्ट ये जो पाइप लगी है, ये जो पाइप लगी है बस इसके निकलने का ही वेट कर रहा हूँ। तो गाइस पीजे से तो वापस आ चुके हैं,
तो पीजीआई वालों ने तो जो बोला मतलब बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, मतलब बिल्कुल ही होश ही उड़ गए थे जब उन्होंने बताया। और ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, माइंड बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया था। तो पीजीआई वालों ने बोला कि जो चेस्ट में हवा भरी हुई है ये बार बार हो रही है, दोबारा होगी। इसका रीज़न है कि चेस्ट के जो लंग है उसके आसपास जो है हवा के बुल्ले हैं वो हो गए हैं, जिसकी वजह से बार बार होता रहेगा। तो उन्होंने एक वैट्स नाम का ऑपरेशन होता है वो करवाने को बोला है। उन्होंने बोला कि ये पीजीआई में नहीं होता है और ना ही चंडीगढ़ में होता है, इसके लिए हमें गुड़गांव में एक हॉस्पिटल है मेदांता, वहाँ पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके वैट्स नाम का एक ऑपरेशन है वो करवाना पड़ेगा। तो अभी यही है मेन प्रॉब्लम कि पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पाइप भी अभी डली हुई है, देखिए पाइप भी अभी निकाले नहीं उन्होंने, क्योंकि वो जो ऑपरेशन होता है उसमें पाइप फिर से डालनी पड़ती है, तो उन्होंने इसे निकालने के लिए मना किया है। तो वहाँ हॉस्पिटल में तो बात कर ली है, उन्होंने बोला है कि आप आ सकते हो यहाँ पे जब मर्जी, हफ्ते का प्रोसेस है, हफ्ता भर गुड़गांव में ही रहना पड़ेगा हॉस्पिटल में ही। तो ये एक चैलेंज है, प्लान करना पड़ेगा पूरा, क्योंकि इतनी दूर जाना है यहाँ से मतलब 8-9 घंटे लग जाते हैं। तो देखते हैं, प्लान करते हैं जाने का। तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब हम तो पीजीआई को इतना मानते थे कि पीजीआई से ऊपर कोई कहीं बढ़कर इलाज है ही नहीं, लेकिन पीजीआई वालों ने भी इस बार हाथ खड़े कर दिए। मतलब उनके पास होता ही नहीं है वैट्स नाम का ऑपरेशन। वैट्स में मैं बताया था आप, एक्चुअली होता क्या है, वैट्स में वो दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं, चेस्ट के आसपास वो 4 छेद करेंगे, उनकी जो लेज़र है दूरबीन है वो अंदर जाएगी और वो डैमेज जो पार्ट है लंग्स का उसको रिपेयर करेगी, और लंग के आसपास जो पतली लेयर है उसको बाहर निकालेगी और लंग को जो है चिपका देगी आपस में। तो ये 2-3 दिन का प्रोसेस होता है। इससे पहले फिजियोथेरेपी करवाई जाती है पेशेंट को, मतलब ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है, और पूरी टीम होती है डॉक्टर्स की, 7-8 डॉक्टर्स की, वो मिलके ये ऑपरेशन करते हैं। तो ये ऑपरेशन के बाद वो हफ्ता भर रखते हैं हॉस्पिटल में, और एक हफ्ते के बाद वो डिस्चार्ज कर देते हैं। तो डॉक्टर से तो बात हो गया, वो बोलते हैं कि जब मर्जी आ सकते हैं। तो अभी जस्ट ऑफिस से कुछ अप्रूवल्स वगैरह लेनी है, तो वो अप्रूवल देखते हैं कब तक आएंगी, उसके बाद फिर निकलते हैं गुड़गांव के लिए। ठीक है गाइस, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अब गुड़गांव जाके मिलेंगे, अगर जल्दी निकलना हुआ यहाँ से, क्योंकि पाइप भी डली हुई है ना, तो इतने ज़्यादा लंबे टाइम तक तो पाइप भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसकी भी पेन हो रही है। तो इसके साथ मतलब जल्दी कुछ प्लान करना पड़ेगा जाने का। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सच फॉर वॉचिंग, बाय। देखो और क्या कर रहा है। क्योंकि अंडरस्टैंड ईयर, अगर एसेट वैल्यू 900 होगा